संसद में लगातार हो रहे हंगामे के चलते जीएसटी समेत तमाम अहम बिलों का भविष्य अधर में लटका पड़ा है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के रास्ते में बाधा पैदा करने से नाराज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि संसदीय प्रणाली का उल्लंघन करने वालों को इतिहास माफ नहीं करेगा। कांग्रेस को जोरदार तरीके से आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि वो लगातार संसद में गतिरोध पैदा कर भविष्य में विपक्षी दलों के लिए गलत मिसाल कायम कर रही है। Where you have lip sympathy for the GST, but that sympathy ends with, and the support ends with that. We have to introspect the weakness of democracy, that on an issue where everybody claims to support it, and still the country feels helpless in not being able to pass it. जेटली ने उम्मीद जताई कि जीएसटी विधेयक पारित हो जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर विपक्ष के हंगामे के कारण ये पास नहीं हो सका तो सरकार को वैकल्पिक रास्ता अख्तियार करना होगा। It slowed down when I was in power, therefore it must slow down when somebody else was in power. If that is the intention, then I am afraid we will have to find alternative methods of how to proceed with this matter. But if you go a step further, in order to get the GST, we must get India's parliamentary democracy to function. जीएसटी पर उद्योगपतियों की बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश को तेज गति से वृद्धि करने का अधिकार है। किसी को इस प्रक्रिया को रोकने, विराम लगाने या इसकी गति कम करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सरकार वही फैसला करेगी जो वो कार्यपालिका के आदेश से पूरा कर सकती है या वो धन विधेयक से जुड़े होंगे जिनके लिए राज्यसभा की मंजूरी अनिवार्य नहीं होती। बाद में राज्यसभा में भी वित्त मंत्री ने देश के आर्थिक हालात और पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के केंद्र के फैसले पर विरोधियों को करारा जवाब दिया। As a part of proper fiscal planning, therefore this reduction in the oil prices is being shared for developmental activities by the center, by the states, by the oil companies to cover up for their losses of the past, and fourthly, advantage significantly goes to the consumer. As a result of this, this year we are trying to achieve the fiscal deficit target without making any cuts to the budgets of the states, whatever are the grants to be given to the states, and making any cuts to the grants to be given to various ministries for social sector program. Unlike the kind of planning which the UPA did when you achieved fiscal deficit by making large budgetary cuts in order to achieve the budget. कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी का लाभ उपभोक्ताओं को ना देने के आरोप पर वित्त मंत्री ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में 20 बार और डीजल की कीमतों में 16 बार कटौती की गई है। देश की आजादी के बाद सबसे बड़े सुधार के रूप में देखे जा रहे जीएसटी विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन कांग्रेस के दोहरे रुख से विधेयक की डगर मुश्किल हो गई है। डीडी न्यूज़।